today we shall consider method of removal of first derivative or reduction to normal form. Let us see a standard form of linear differential equation of second order d2y upon dx square plus p dy upon dx plus qy is equal to r, where capital P, capital Q and capital R all are functions of x. तो हम लोगों ने एक सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिया और कहा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का यूज करना चाहते हैं या रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म मेथड का यूज करना चाहते हैं। तो ये मेथड होता क्या है, पहले इसको जान लिया जाए। फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके, इसका दूसरा नाम है रिडक्शन टू नॉर्मल फॉर्म, तो फर्स्ट डेरिवेटिव को रिमूव करके, तो इसके लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू यू वी, पहला स्टेप का सेट इज इक्वेशन नंबर टू विद कंप्लीट सोल्यूशन, विद कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। अब मान लेते यही दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन है, फेयर u इक्वल्स क्या होता है, e टू दी पावर माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स, पी आपको ऑलरेडी पता है, ये लिख सकते हैं, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर थ्री। एंड आई कैलकुलेट करेंगे, आई इक्वल्स होता है क्यू माइनस हाफ डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर, एंड यस इक्वल्स होता है आर अपॉन यू, ये हो गया। नॉर्मल फॉर्म ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या हुआ, दैट इज डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू यस। अब इस इक्वेशन में हम जो आई और यस यहां इक्वेशन नंबर फोर और इक्वेशन नंबर फाइव से आप टेन किए हैं, उसको ला करके इस इक्वेशन में रख देंगे। अब कहेंगे इस इक्वेशन को, मतलब इक्वेशन नंबर सिक्स को सॉल्व, इक्वेशन सिक्स, सॉल्व इक्वेशन सिक्स बाई प्रीवियस मेथड। यहां एक चीज रिमार्केबल ये भी है कि आई को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आई दो ही चीजों में आ सकता है, या तो आई कांस्टेंट आएगा या तो आई आपका कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। अगर आई कांस्टेंट आता है तो इक्वेशन नंबर सिक्स, जिसको आप नॉर्मल फॉर्म बोल रहे हैं, इसी दैट इज नोन एज नॉर्मल फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, तो आई दो चीज आएगा, या तो आई कांस्टेंट आएगा या तो कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। अगर आई कांस्टेंट आता है तो यह इक्वेशन नंबर सिक्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशियंट होगा, जिसको हम कांस्टेंट कोफिशियंट के मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा ये कहा जाता है, अगर आई कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आया तो यह होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशियंट बनेगा, और इसे भी हम प्रीवियस मेथड से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोनों ही कंडीशन में हम इस इक्वेशन सिक्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय प्रीवियस मेथड टू गेट स्मॉल वी इन टर्म्स ऑफ एक्स। ओके, ये हो गया। तो आपको कुल मिला के इस मेथड में जिन स्टेप्स को ध्यान में रखना है, फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि जो प्रॉब्लम आपको दिया गया, अगर नॉर्मल फॉर्म मेथड से सॉल्व करने को कहा जा रहा है, रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से सॉल्व करने को कहा जा रहा है, तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, और स्टैंडर्ड फॉर्म है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर। अब उस प्रॉब्लम को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके कैपिटल पी क्या है, कैपिटल क्यू क्या है, कैपिटल आर क्या है, ये तीनों चीज हम राइट डाउन कर लेंगे। y इज इक्वल टू यू वी को दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन मान लेंगे, जहां u और v फंक्शन ऑफ x है, व्हिच इज टू बी डिटरमाइन। अब ये डिटरमाइन कैसे होंगे, सबसे पहले हम u डिटरमाइन करेंगे, u इक्वल्स है e टू दी पावर माइनस ऑफ इंटीग्रल ऑफ पी डी एक्स। ओके, दूसरा है हम i कैलकुलेट करेंगे, i कैलकुलेट करेंगे, हमको q चाहिए p चाहिए, दोनों चीजें पहले से ही आपको पता है, तो q हो गया माइनस हाफ डी पी अपॉन डी एक्स भी कर लेंगे, माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर कर लेंगे, और आपको यह भी मालूम कि या तो i कांस्टेंट आएगा या तो i कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा। अगर i इन दोनों के अलावा कुछ आता है, मतलब ना तो कांस्टेंट आता है ना कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आता है, देन दिस मेथड
मतलब रिमूवल ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड या नॉर्मल फॉर्म मेथड इज नॉट अप्लीकेबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस मेथड से तब हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बस अर्थे कि या तो आई कांस्टेंट है या तो कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर, तब तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर इनके अलावा कुछ आता है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और यस इक्वल्स हो गया आर अपॉन यू। अब आई और यस की वैल्यू रख करके आसानी से वी को इन टर्म्स ऑफ एक्स हम प्रीवियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, हम लोग एक एग्जाम्पल देख करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। का सॉल्व डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू माइनस थ्री ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ टू एक्स। इट इज आवर प्रॉब्लम डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई इक्वल्स माइनस थ्री ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पहले तो आप ये लिखेंगे गिवेन दैट, ये सॉल्व करने का तरीका मैं लिख रहा हूं गिवेन दैट। अब आपने प्रॉब्लम को राइट डाउन कर दिया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन ऑपरेटेड ऑन वाई इक्वल्स माइनस थ्री ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ टू एक्स। चूंकि यह प्रॉब्लम स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यह है डी टू वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसलिए हमने इसे कह दिया इक्वेशन नंबर वन। अगर यह स्टैंडर्ड फॉर्म में ना होता तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट करते। ओके, अब स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि यहां पर पी की जगह है माइनस फोर एक्स, क्यू की जगह पर है फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन और आर की जगह पे है माइनस थ्री ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ टू एक्स। ओके, पी क्यू आर हो गया। अब पी क्यू आर आपको मिल गया, तो यहां से अब हम लोग कैलकुलेट करना चाहेंगे सबसे पहले आई यू का नाउ या लेट वाई इज इक्वल टू यू भी से इट इज इक्वेशन नंबर टू विद द कंप्लीट सोल्यूशन विद द कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन, ये मान लिया गया का देन सबसे पहले अब हम यू कंप्लीट करें। तो u इक्वल्स आपने पहले ही कर रखा है e टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ p dx, तो क्या e टू द पावर माइनस हाफ इंटीग्रल ऑफ p, p इज इक्वल टू है माइनस फोर एक्स इंटू डी एक्स एंड दिस इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और जाएगा इंटीग्रल e टू द पावर टू एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली आप बता सकते हैं कि x का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल आएगा x स्क्वायर बाई टू, टू टू कैंसिल हो गया, फाइनली आ गया e टू द पावर x स्क्वायर। एक आपको अननोन मिल गया u और इसको हम लोगों ने कह दिया इक्वेशन नंबर थ्री। ओके, अब u मिल गया तो इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे i का एंड i इज इक्वल टू फार्मूला आपको मालूम है q माइनस हाफ डी पी अपॉन डी एक्स माइनस पी स्क्वायर अपॉन फोर। क्यू क्यू आपको पता है दैट इज फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये लिख लिया आपने माइनस वन बाई टू डी पी अपॉन डी एक्स, पी इज माइनस फोर एक्स और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव वन हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस फोर माइनस पी स्क्वायर, पी की जगह है माइनस फोर एक्स और माइनस फोर एक्स का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर अपॉन फोर। सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका फोर एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो गया और टू टू जा हो जाएगा फोर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, इस फोर एक्स स्क्वायर से आप फोर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और प्लस टू माइनस वन दैट इज इक्वल टू वन। तो आई कहा गया था या तो कांस्टेंट आएगा या तो कांस्टेंट अपॉन एक्स स्क्वायर आएगा, तो देखेंगे आई जो कुछ आया वह कांस्टेंट है, इसका मतलब हम लोग राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड यस इक्वल्स आपसे कहा गया था आर अपॉन यू, आर इक्वल्स है आपका देखेंगे माइनस थ्री ई टू द पावर माइनस थ्री ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू साइन ऑफ टू एक्स अपॉन यू। यू इज इक्वल टू देखेंगे आप निकाल चुके हैं ई टू द पावर एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर थ्री में,
इस e टू द पावर x स्क्वायर से या e टू द पावर x स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या है माइनस थ्री साइन टू एक्स। ठीक है, का पुटिंग वैल्यूज ऑफ आई एंड यस इन द नॉर्मल फॉर्म, इन द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म क्या है डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई वी इज इक्वल टू यस, वी गेट मिलेगा क्या, ये हो गया डी टू वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस आई, आई इज इक्वल टू मिला है वन, तो वन इंटू वी, वन इंटू वी इज इक्वल टू यस, यस इक्वल्स आपको मिला हुआ माइनस थ्री साइन टू एक्स, या इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं डी स्क्वायर प्लस वन, डी किसकी जगह लिखा है डी बाई डी एक्स की जगह, डी स्क्वायर प्लस वन इंटू वी इक्वल्स माइनस थ्री साइन टू एक्स, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर फोर। नाउ इट इज ए लीनियर इक्वेशन विथ कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑग्ज़ीलियरी इक्वेशन, इज ऑग्ज़ीलियरी इक्वेशन लिखने के लिए डी की जगह हम v की जगह 1 और राइट हैंड साइड 0 कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो m इक्वल्स मिलेगा प्लस माइनस i, m स्क्वायर इक्वल्स माइनस 1 तो m इक्वल्स हो जाएगा प्लस माइनस i, का देयर फोर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन विल बी इक्वल टू सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, और इसको कह दिया हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 5। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा ये देखा जाए, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू हो गया वन अपॉन एफ डी, एफ डी क्या है डी स्क्वायर प्लस वन ऑपरेटेड ऑन भी, और भी की जगह आपके पास है देखेंगे माइनस थ्री साइन टू एक्स, तो ये लिख दिया माइनस थ्री साइन टू एक्स, इतना आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, इसको ले सकते माइनस थ्री वन अपॉन डी स्क्वायर प्लस वन ऑपरेटेड ऑन साइन टू एक्स, इट्स ओके। अब ये हो जाएगा माइनस थ्री साइन टू एक्स में एक्स का कोफिशियंट टू है, इसका स्क्वायर विथ नेगेटिव साइन रूल याद आ जाए, तो माइनस टू स्क्वायर प्लस वन ऑपरेटेड ऑन साइन टू एक्स, मतलब हम लोगों ने किया क्या है पुट किया है डी स्क्वायर इक्वल्स माइनस टू स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री आएगा, तो हो जाएगा माइनस थ्री इंटू वन अपॉन माइनस थ्री इंटू साइन ऑफ टू एक्स, सिंप्लीफाई कर देंगे तो माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यह बच गया आपका साइन टू एक्स का। देयर फोर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन किसका, नॉर्मल फॉर्म का, और नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन को आपने कहा है इक्वेशन नंबर फोर, तो सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फोर इज डिपेंडेंट वेरिएबल वी, तो वी इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, वी इज इक्वल टू सी एफ आपने कहा था सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स, ये निकाला आपने, और पर्टिकुलर इंटीग्रल आया प्लस साइन टू एक्स, एंड यू मे से इट इज इक्वेशन नंबर फाइव। अब कहा इक्वेशन नंबर फाइव में भी इन टर्म्स ऑफ एक्स मिल चुका है, इक्वेशन नंबर थ्री में यू इन टर्म्स, इक्वेशन नंबर फाइव नहीं, इसको हम कह रहे हैं इक्वेशन नंबर सिक्स। तो अब आपने ये कहा कि इक्वेशन इक्वेशन नंबर सिक्स में भी इन टर्म्स ऑफ एक्स मिल गया है, इक्वेशन नंबर थ्री में यू इन टर्म्स ऑफ एक्स मिला, तो इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर सिक्स को अगर हम इक्वेशन नंबर टू में सब्स्टिट्यूट कर दो तो दिए गए प्रॉब्लम का कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो कहा यूजिंग इक्वेशन थ्री एंड सिक्स, यूजिंग इक्वेशंस थ्री एंड सिक्स इन इक्वेशन, किसमें इन इक्वेशन थ्री, थ्री नहीं इक्वेशन सॉरी इक्वेशन थ्री एंड सिक्स इन इक्वेशन टू, ओके इन इक्वेशन टू वी गेट वाई इज इक्वल टू यू, यू इक्वल्स आपको मिला था ई टू द पावर एक्स स्क्वायर देख लें, और वी इज इक्वल टू आपको मिला हुआ है सी वन कॉस एक्स प्लस सी टू साइन एक्स प्लस साइन ऑफ टू एक्स, एंड इट इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, और इस प्रॉब्लम को अब हम आसानी से प्रीवियस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं।